अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने डायलर स्क्रीन को चेंज करके अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से अपने डायलर को चेंज करके अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ही बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अगर आप भी अपने डायलर स्क्रीन को चेंज करके अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन के लिए वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दो सेटअप बन जाएंगे, एक कॉल सेटिंग वाला और दूसरा कॉल फोन वाला। तो सबसे पहले आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपने डायलर स्क्रीन को। तो सेटिंग कैसे करनी है तो वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कॉल सेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपने दो सेटिंग करनी है, एक तो आपने अपनी फ़ोटो लगानी है और दूसरी जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सेटिंग नहीं करेंगे तो आपके डायलर स्क्रीन पे फ़ोटो शो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के लिए आपने ये कस्टमर स्टाइल पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक डायलर स्क्रीन है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो कैसे लगानी है, फ़ोटो लगाने के लिए आपको ये नीचे एक बटन नज़र आ रहा है सबस कलर का, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पिक इमेज, तो अगर आप पिक इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पिक इमेज वाला जो बटन है दरमियान में आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा गैलरी में ले आएगा। तो यहाँ से आपने जो भी फ़ोटो लगाना है, जैसा कि यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे क्रॉप कर लेता हूं जितना मैंने लगाना है अपने डायलर स्क्रीन पे, तो यहां पे मैं इतना क्रॉप कर लेता हूं। तो क्रॉप करने के बाद आपने नीचे जहां पे लिखा हुआ है अप्लाई, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फोटो लग जाएगा, आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। तो बैक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो लग चुका है। अब आपने वो सेटिंग कौन सी करनी है जिसकी वजह डायलर स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग वाला बटन नज़र आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों आपने कॉल हिस्ट्री वाला जो बटन है इसके आगे एक टिक का निशान लगा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने अलाउ कर देना। जैसा कि मैं अलाउ करता हूँ, अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे टिक लग चुका है। अब आपने ये नीचे दूसरे नंबर पर जो है आपने इस पर भी क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं करता हूँ बैक। बैक करने के बाद ये दूसरा जो बटन है कॉल फोन, ये आपका डायलर स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपने नंबर कैसे टैप करना है, यहाँ पे आपको एक डायल करने के लिए बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी नंबर टैप करेंगे तो यहाँ पे टैप होता जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने डायलर स्क्रीन पर अपने फ़ोटो को लगा के चाँद चाँद लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो मतलब कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।